गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मेरा नाम जितेंद्र कुमार बारोलिया है। मैं लेक्चर कंप्यूटर इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दोसा में कार्यरत हूँ। TTC LRDC के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा कम्युनिकेशन या जितने भी नेटवर्क के जो भी कोर्सेज हैं उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम जानते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजी होती क्या है। द वे इन विच डिवाइस आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म ए नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। जब भी हम किसी लैन की बात करते हैं तो जिस हिसाब से अपने कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं उसको हम नेटवर्क टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो इसके लिए कुछ फैक्टर है जो इस नेटवर्क टोपोलॉजी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला कॉस्ट, सबसे पहले इंस्टॉलेशन कॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि पूरा का पूरा आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। इसके बाद में फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे कि मेरे को नेटवर्क के अंदर मेरे को कंप्यूटर लगा दिया, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर से कुछ कंप्यूटर को मैं हटा दूँ या लगा दूँ, तो उसके लिए हम उस चीज़ को हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। तो ये टोपोलॉजी में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम टोपोलॉजी यूज़ करते टाइम पे काम में लेते हैं। इसके बाद में रिलायबिलिटी, मीन्स आपका क्या है कि जो नेटवर्क है वो ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए कि वो कम टाइम के लिए डाउन हो, मीन्स आपके इसमें नेटवर्क में कंजेक्शन नहीं हो। स्केलेबिलिटी, नेटवर्क टोपोलॉजी शुड बी स्केलेबल, इट कैन अकोमोडेट लोड ऑफ न्यू डिवाइस। जब भी आप कोई नई डिवाइस उसके अंदर ऐड करो तो वो उसका लोड ले सके, ये स्केलेबिलिटी को परफॉर्म करता है। इसमें आपकी क्या होता है कि परफॉर्मेंस डाउन नहीं होनी चाहिए। ईजी ऑफ इंस्टॉलेशन, इसको इंस्टॉल ईजिली किया जा सके, कोई भी इसको टेक्निकल पर्सन की ज़्यादा हमें रिक्वायरमेंट की आवश्यकता ना हो। ईजी ऑफ मेंटेनेंस, इसका मेंटेनेंस ईजी किया जा सके। तो सबसे पहले जो बेसिक नेटवर्क टोपोलॉजी है उसको हम बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। इन मैश टोपोलॉजी इज डिवाइस कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस ऑन द नेटवर्क थ्रू ए डेडिकेट पॉइंट टू पॉइंट लिंक। जब भी हम नेटवर्क मैश टोपोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, जो भी कंप्यूटर होंगे, जैसे डायग्राम में दिखा रखा है कि इस डायग्राम में आपके पांच कंप्यूटर है, तो पांच कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मीन्स प्रत्येक कंप्यूटर हर दूसरे कंप्यूटर से आपस में जुड़ा हुआ रहना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मैश टोपोलॉजी के अंदर अगर जैसे आपके पाँच कंप्यूटर जुड़े हुए हैं तो कितने लिंक की उसके अंदर की लिंक का मीन्स केबल की आवश्यकता होगी। तो आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला दे रखा है, फॉर एन नोड्स नंबर ऑफ लिंक्स रिक्वायर्ड इज एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। तो अगर हम पांच कंप्यूटर की बात करें तो एन की वैल्यू क्या हो गई आपकी, पांच हो गई, एन माइनस कितना हो गया, फोर हो गया। तो 5 × 4 20, 20/2 10, मीन्स आपको 10 लिंक्स की आवश्यकता होगी। जो जो नेटवर्क बढ़ता जाएगा आपको केबल्स की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती जाएगी। तो इसका एडवांटेज क्या होगा, नो डेटा ट्रैफिक इशू इज देयर इज डेडिकेट लाइन बिटवीन टू डिवाइस, मैश टोपोलॉजी रिलायबल एंड रोबस्ट एज फेलियर ऑफ वन लिंक डजेंट अफेक्ट अदर लिंक, मैश टोपोलॉजी सिक्योर। जब भी हम छोटे नेटवर्क की बात करें या छोटे कंप्यूटर्स की बात करें तो नेटवर्क टोपोलॉजी में सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि जब भी आपका अगर कोई एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम का लिंक अगर डाउन हो जाता है तो पूरे नेटवर्क को इफेक्ट नहीं करता है, मीन्स आपका अगर कोई फॉल्ट हो जाता है लाइन के अंदर या केबल के अंदर तो आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हो भाई दोनों कंप्यूटर में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, इसका मतलब यहाँ पे डिटेक्शन ईजिली हो जाता है। इसके बाद में सबसे ज़्यादा एडवांटेज, ज़्यादा सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज मैश टोपोलॉजी का क्या है, अमाउंट ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू कनेक्टेड ई सिस्टम इज टीडीएस एंड हेडक सिंस ईच डिवाइस नीड टू बी कनेक्टेड विद अदर डिवाइस, नंबर ऑफ आईओ पोर्ट्स रिक्वायर्ड मस्ट बी ह्यूज। ये तो हमने केवल बात की आपके सिंपल एक कंप्यूटर से पाँच कंप्यूटर कनेक्ट करने की। अगर मैं आपसे बोलूँ कि अब मेरे को 100 कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं, 100 कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं, 100 × 99/2 मीन्स 99/100/2, तो आपको इतने लिंक की वहाँ पे आवश्यकता होगी, केबल्स की आवश्यकता होगी, साथ में आपको इतने ही 99 इतने ही लिंक आपको एक प्रत्येक कंप्यूटर में चाहिए होंगे जो कि फिजिबल नहीं है। स्केलेबिलिटी इशू बिकॉज ए डिवाइस कैन नॉट बी कनेक्टेड विद लार्ज नंबर ऑफ डिवाइस विद डेटिक पॉइंट टू पॉइंट लिंक। अगर हम बात करें कि एक डिवाइस आपके 5000 वायर से जुड़ी हुई है तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके बाद में जो दूसरा आता है वह है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि जैसे आपने बस के अंदर देखा होगा कि बीच में गैलरी होगी और उसके आसपास में सीटें अरेंज होती है, उसी तरह इसमें भी क्या होगा, एक डेडिकेटेड लिंक होगा, उससे आपके आप सामने आमने सामने आपके कंप्यूटर कनेक्टेड रहेंगे। डेटा नेटवर्क बस टोपोलॉजी है लीनियर ट्रांसमिशन केबल यूजुअल कोएक्सियल, जो आपके बीच में इसको आपको ये जो केबल दिख रही है ये आपकी एक कोएक्सियल केबल होगी जो नेटवर्क के अंदर होगी और इसके साथ जितने भी आपके डिवाइसेज नेटवर्क के उसके में अटैच रहेंगे। एडवांटेज क्या होंगे, इजी टू इंस्टॉल होगा, मेंटेन करना भी आसान है, इसको कैन बी एक्सटेंडेड इजीली, इसको आराम से आप बढ़ा भी सकते हो रिपीटर का यूज करते। वेरी रिलायबल बिकॉज ऑफ सिंगल ट्रांसमिशन लाइन, एक ही लाइन है इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। डिसएडवांटेज क्या होंगे, ट्रबल शूटिंग इज डिफिकल्ट एज देयर इज नो सिंगल पॉइंट ऑफ कंट्रोल। अगर आपको
किसी भी एरर आ जाती है जैसे डेटा में, तो आपको पता नहीं लगेगा कौन से कंप्यूटर में इसमें आपके फॉल्ट आ रहा है। वन फॉल्टी नोड कैन ब्रिंग द होल नेटवर्क डाउन, अगर आपका एक नोड फॉल्ट हो जाए तो हो सकता है कि पूरा पूरा नेटवर्क आपका डाउन हो जाए। डम टर्मिनल कैन नॉट बी कनेक्ट टू द बस, जो भी डम्ब होगी जो कि हम यूज़ नहीं करना चाहते उसको हम इसमें कनेक्ट नहीं कर सकते। इसके बाद में नेक्स्ट आती है आपकी रिंग टोपोलॉजी, ईच टर्मिनल इज कनेक्टेड टू एग्जैक्टली टू नोड्स गिविंग द नेटवर्क ए सर्कुलर शेप। जैसा कि रिंग नाम से पता है, जैसे हम लोग आपस में रिंग या जैसे कोई अंगूठी जो भी होती है गोला होता है, उस रूप में यह कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होंगे, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे कंप्यूटर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कनेक्ट होगा। एक कंप्यूटर को कितने लिंक की आवश्यकता होगी, हमेशा दो लिंक की आवश्यकता होगी, क्योंकि एक तो लेफ्ट से जुड़ेगा और एक राइट से जुड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रिंग टोपोलॉजी के कितने लिंक की आवश्यकता होगी। एडवांटेज क्या होगा, स्मॉल केबल सेगमेंट आर नीडेड टू कनेक्ट टू नोड, दो नोड्स को आपस में जोड़ने के लिए एक स्मॉल केबल चाहिए होगी। आइडियल फॉर ऑप्टिकल फाइबर है डेटा ट्रेवल ओनली वन डायरेक्शन, ये जो हमने जब भी ट्रांसमिशन मीडिया की बात करी थी तो वहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर का क्या एक वो था कि वो यूनिडायरेक्शनल होता था, मतलब एक डायरेक्शन में वो ट्रेवल करता था, तो ये ऑप्टिकल फाइबर लाइन के लिए बेस्ट है। वेरी हाई ट्रांसमिशन स्पीड पॉसिबल, क्योंकि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो इसलिए इसकी स्पीड ज़्यादा तेज है। डिसवांटेज क्या होगा, फेलियर ऑफ सिंगल नोड ब्रिंग डाउन स्मॉल होल नेटवर्क। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि अगर जैसे मैं एक सिस्टम का यहाँ पे नेटवर्क बीच में ब्रिंग हो जाता था, पूरा पूरा नेटवर्क यहाँ पे डाउन हो जाता है। ट्रबल शूटिंग इज डिफिकल्ट एज मेनी नोड्स में हैव टू बी इंस्पेक्टेड बिफोर फॉल्टी वन इज आइडेंटिफाई, जब भी इसके अंदर कोई फॉल्टी नोड होगा तो उसको मतलब चेक देखने के लिए आपको सबसे पहले सारे नोड्स को चेक करना पड़ेगा। डिफिकल्ट टू रिमूव वन और मोर नोड वाइल कीपिंग द रेस्ट ऑफ नेटवर्क इंटैक्ट, जब पूरा नेटवर्क आपस में काम कर रहा है तो उस टाइम पे एक नोड को वहाँ पे से हटाना ईजी नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार मीन्स आपने देखा होगा स्टार का क्या होता है कि बीच में आपका कोई एक पॉइंट होगा, उससे सारे पॉइंट आपस में कनेक्टेड होंगे। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि बीच में एक आपने एक सर्वर जिसको अपन जैसे स्विच बोल देंगे, स्विच से आपने कनेक्ट कर दिया और उससे सारी सारी लाइन जा रही है। अब आपसे पूछा जाए कि जैसे इस टोपोलॉजी के अंदर एक कंप्यूटर या मीन्स एक नोड के लिए कितने आपको पॉइंट चाहिए, तो आपको एक ही पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, एक ही केबल की जरूरत पड़ेगी। तो एनी एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू नोड्स मस्ट टेक प्लेस थ्रू द सर्वर, जब भी आप जैसे कंप्यूटर एक से कंप्यूटर दो पे डेटा भेजना चाह रहे हैं तो आपको सर्वर के थ्रू ही डेटा को भेजना पड़ेगा। एडवांटेज क्या होंगे, फेलियर ऑफ वन नोड डज नॉट अफेक्ट द नेटवर्क, आपका एक भी अगर नोड यहाँ पे फेल हो जाता है तो पूरे सिस्टम को ये डाउन नहीं करेगा। ट्रबल शूटिंग इज ईजी एज फॉल्टी नोड कैन बी डिटेक्टेड फ्रॉम सेंट्रल नोड इमीडिएटली, आपके जैसे फॉल्टी नोड है उसमें को आपको डिटेक्ट करना है तो आप देख लेंगे कि आपके स्विच के अंदर उसके लिए लाइट आ रही है नहीं आ रही, अगर वो लाइट नहीं आ रही तो आपका सिस्टम वहाँ पे काम नहीं कर रहा। आपके जो मोस्ट प्रोबेबली लेंस होते हैं उसके अंदर हम लोग स्टार टोपोलॉजी का यूज़ लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी एक स्विच लगा के सारे कंप्यूटर को उसमें अटैच कर देते हैं। सिंपल एक्सेस प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड टू एज वन ऑफ द कम्यूटिंग नोड्स इज ऑलवेज द सेंट्रल नोड, एक आपको प्रोटोकॉल्स की यहाँ पे आवश्यकता हो, क्योंकि हम जब भी नोड्स की स्विच की बात करेंगे तो स्विच की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे डेटा लिंक लेयर की बात करने लग जाते हैं। डिसएडवांटेज क्या होगा, लॉन्ग केबल में भी रिक्वायर्ड टू कनेक्ट ईच नोड टू द सर्वर, जैसे मैंने देखा कि स्विच के पास में जैसे आपका पहला कंप्यूटर है, स्विच के पास में आपका अगर पहला कंप्यूटर है वो आपसे केवल 20 मीटर की दूरी पे, तो आपको केवल 20 मीटर की केबल चाहिए होगी, लेकिन अगर वही कंप्यूटर आपसे 100 मीटर की दूरी पे तो आपको 100 मीटर केबल उसको चाहिए होगी। फेलियर ऑफ सेंट्रल नोड ब्रिंग डाउन द होल नेटवर्क, अगर आपका स्विच ही खराब हो जाता है तो पूरा पूरा नेटवर्क आपका डाउन हो जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं ट्री टोपोलॉजी की। ट्री टोपोलॉजी बेसिकली कोई टोपोलॉजी नहीं है, एक हाइब्रिड टोपोलॉजी है जो हम लोग दो टोपोलॉजी को मिला के बनाते हैं। ट्री टोपोलॉजी हैज ग्रुप ऑफ स्टार नेटवर्क कनेक्टेड लीनियर बस बैकबोन केबल, आप इसमें क्या करोगे कि बस की तो केबल काम में लोगे और स्टार टोपोलॉजी को काम ऊपर काम में लोगे। इट इनकॉर्पोरेट फेलियर फीचर ऑफ बोथ स्टार एंड बस टोपोलॉजी। एडवांटेज क्या होंगे, एग्जाइटिंग नेटवर्क कैन बी इजिली एक्सपेंडेड, क्योंकि बस टोपोलॉजी हम देखा था कि जो भी अगर अपन नया सिस्टम जोड़ना चाहे तो इजीली जोड़ सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग ऑफ इंडिविजुअल सेगमेंट मीन्स ईजियर इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस, ये स्टार टोपोलॉजी का इन्होंने इसमें गुण लिया है। इसमें क्या होगा कि एक पॉइंट टू पॉइंट में आप क्या चाहिए होगा, नोड चाहिए होगा। वेल सुटेड फॉर टेम्प्रेरी नेटवर्क, टेम्प्रेरी जब नेटवर्क बनाना होगा तो इसके लिए बेस्ट होता है। डिसएडवांटेज क्या होंगे, टेक्निकल एक्सपर्टाइज रिक्वायर्ड टू कॉन्फिगर वायर टोपोलॉजी, मतलब नॉर्मल जो कैंडिडेट है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आपके हम लोग लैब के अंदर हम लोग ही आपस में लैन का नेटवर्क बना लेते हैं एक स्विच लगा के, क्योंकि हम लोग स्टार टोपोलॉजी यूज लेते हैं, लेकिन जब ट्री टोपोलॉजी की बात करें तो उसके लिए आपको एक टेक्निकल एक्सपर्ट की आवश्यकता होगी।
फेलियर ऑफ बैकबोन केबल ब्रिंग डाउन एंटायर नेटवर्क। अगर आपकी बैकबोन केबल फेल हो जाती है, जैसा कि आपने देखा बस टोपोलॉजी में, तो पूरा पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। इनसिक्योर नेटवर्क मीन्स आपके नेटवर्क की सिक्योरिटी नहीं होगी। मेंटेनेंस डिफिकल्ट टू ओवर लार्ज नेटवर्क, क्योंकि इसका मेंटेनेंस में ईजी नहीं है। इसका जो मैंने अभी आपको पीपीटी बताई, उसका रेफरेंस ये है, ट्यूटोरियल पॉइंट्स पे आप जाके इसको देख सकते हैं, वेबसाइट से ट्यूटोरियल पॉइंट्स एक। इसके अलावा आप डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग की बुक है फ्रोजन नाम से, तो उसको भी आप इसमें देख सकते हैं। और इसके बाद में हम जो नेक्स्ट हम बात करेंगे नेटवर्क डिवाइसेज के बारे में, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।